अन्नदाता की फसल जलकर खाक हुई। ग्राम सामर सिंगा में आज खेत में आगजनी की घटना सामने आई है, जिसमें लगभग 10-12 बीघा गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह आग लगी है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने बिजली विभाग को फोन करके बताया था कि ग्राम में गेहूं की फसल पककर तैयार है तथा आप दिन में बिजली ना दें, लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण बिजली सप्लाई से डीपी में स्पार्किंग हो गई, जिसके कारण खेत में आग लग गई। इस कारण आगजनी में माकन सिंह किरार की 10-12 बीघा में खड़ी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस घटना के कारण किसान के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। एक तरफ तो किसान 3 महीने तक सर्दियों में जी तोड़ मेहनत कर फसल तैयार करता है, वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार की लापरवाही के चलते किसानों की मेहनत जलकर खाक हो जाती है। इस बात का जिम्मेदार किसे माना जाए, फिलहाल जो भी हो, लेकिन एक किसान की मेहनत अब राख में तब्दील हो चुकी है और उसका लहलहाता खेत राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। ट्रांसफार्मर में पार्किंग होने के कारण दोपहर में लाइट आ रही थी चक्कर में, तो ये दिन का लाइट आना ये मना नहीं किया गांव वालों ने? अरे गांव में मना किया था कि तू दिन में बंद कर दे और रात में दे दिया कर, उतना उसने बंद नहीं की। अब दोपहर में अब हो गई लगभग कितनी जगह ये कम से कम नहीं तो 10 बीघा में आग लग गई। गाँव वाले आए जब जाके नहीं बुझा पाई, वो भी अभी तक वो मशीन भी नहीं आई, पाइप ग्रेड भी अभी तक नहीं आई, उसको भी फोन लगा दिया बिजली बारी कोई मना करने पर तो भी उसने बंद नहीं की। पूरे गांव के नहीं आते तो आज कम से कम नहीं 100 बीघा का नुकसान हो जाता। ये आग लाइट से लगी है, विद्युत मंडल वालों को हमने तीन चार रोज से फोन लगा रहे थे, लाइट को दिन में मत दो रात में दो, फसल आ चुकी है और वो बोलते थे लिखित में दो, अब लिख के गाँव वाले फोन लगा रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी लापरवाही ये रही कि लिख के भी दिया उनको, फिर भी उन्हें लाइट बंद नहीं की। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? कम से कम 10 बीघा गेहूँ जल गया।